It's really up to Prime Minister Modi. And I met with Prime Minister Khan. I got along great with, I think they're fantastic people. Khan and Modi, I mean, I would imagine they can get along very well. They wanted somebody to intervene or to help them. And I spoke with Pakistan about that. And I spoke, frankly, to India about it. But that's been going on, that battle, for a long time. अमरीकी सदर की एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इमरान खान से मुलाकात बहुत अच्छी रही, वो एक जबरदस्त इंसान है। कश्मीर बहुत ही पुराना मसला है, इमरान खान और नरेंद्र मोदी इसके हल के लिए बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। उनकी सालसी का दारोमदार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर है। भारत की हठधर्मी बरकरार, अमरीकी सालिसी से भी इनकार। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का कहना है कश्मीर पाकिस्तान और भारत का दो तरफा मामला है। अमरीकी हममनसब माइक पोम्पियो पर भी वाजे कर दिया कि मसले पर कोई भी बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगी। भारतीय वजीर खारजा ने ट्विटर पैगाम में बातचीत मशरूत होने का भी कह दिया। मकबूज़े कश्मीर में आज़ादी की तहरीक दबाने में नाकाम, भारत का एक और नापाक मंसूबा। वादी में मजीद 28,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार भेजने का ऐलान कर दिया। ज्यादातर एहलकार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से होंगे। भारत पिछले हफ्ते भी 10,000 सिक्योरिटी एहलकार मकबूज़े कश्मीर भेज चुका है। उधर शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान हमला, एक भारतीय फौजी हलाक, दूसरा जख्मी। Resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. ऑपोजिशन इत्तेहाद का धड़न तख्ता, सादिक संजरानी की नाव पार लग गई। ऑपोजिशन को वाजे अक्सरियत के बावजूद तहरीके आदम एतमाद नाकाम, अपने ही 14 अरकान दगा दे गए। नो वोट चेयरमैन सादिक संजरानी के हक में पड़े, 5 मुस्तरद हुए। वजीर आजम इमरान खान का सादिक संजरानी को टेलीफोन, तहरीके आदम एतमाद नाकाम होने पर मुबारकबाद दी। सादिक संजरानी की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले 14 सेनेटर्स कौन थे? ओपोजिशन ने सर जोड़ लिए। लीगी सेनेटर्स के इजलास में शहबाज शरीफ का तहरीक की नाकामी पर तशवीश का इजहार। बोले 14 सेनेटर्स ने जमहूरियत के वकार को मजरूह किया। तमाम ओपोजिशन से मिलकर लाहे अमल तैयार करेंगे और जमीर फरोशों को तह से निकाल लाएंगे। हासिल बजिंजो का बयान कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाजा बनाने के मुतरादिफ करार। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है मुल्क के अहम इदारे के सरबराह पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। ऐसे बयानात जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं, जाती सियासी मफादात के लिए पूरे जमहूरी अमल को बेतौकीर करना दुरुस्त नहीं। हासिल बजिंजो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सियासत कर रहे हैं। पहले ही कहा था सादिक संजरानी चेयरमैन ही रहेंगे। शेख रशीद अहमद का रद्द अमल, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार बोले तहरीके अदम एतमाद की नाकामी ने ओपोजिशन इत्तेहाद की कलाई खोल दी है। इन लोगों को अब अपनी मनफी सियासत तर्क कर देनी चाहिए। फारूक सत्तार का कहना है बिलावल भुट्टो ने जो बोया था वही काटा। लोग अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए अपनी औरतों का सौदा कर रहे हैं। कराची में 2 दिन की बारिश के बाद भी 2 दिन गुजर गए। शहर के बेशतर इलाकों के साथ सिटी कोर्ट की भी अबतर सूरत हाल। 5 रोज से जमा पानी ना निकाला जा सका। कैदियों और साइलीन के बैठने की जगह तालाब का मंजर पेश करने लगी। दीगर इलाकों में भी सूरत हाल बदस्तूर खराब। मुरीद अब्बास कत्ल केस में पुलिस की सुस्ती, सिटी कोर्ट में मुकदमे का चालान फिर पेश ना किया, मजीद 7 दिन की मोहलत ले ली। इंस्पेक्टर अतीकुर रहमान का कहना था चालान मंजूरी के लिए आला अफसरान को इरसाल कर दिया, पेश करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए। मुकदमे का चालान 9 अगस्त को पेश किया जाएगा।
छह साल बाद महंगाई की शरह दोबारा 10% से तजावुज कर गई। रवां साल जुलाई में अफराते जर की शरह 10.34% रही। गुज़श्ता साल जुलाई में शरह 5.84% थी। जुलाई के दौरान अशियाए खुरोनोश की कीमतों में 7.88% इजाफा। कुकिंग ऑयल 8.57, दूध 5.24 और पेट्रोल में 22.56% इजाफा हुआ। ऑनलाइन ट्रेड के नाम पर 27 करोड़ रुपए का फ्रॉड। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 3 मुलजिमान के जुडिशियल रिमांड में 8 रोज की तौसी कर दी। नैब तफ्तीशी ऑफिसर ने खतीजा ट्रेडर्स के मालिक कासिम, मैनेजर मोहम्मद अरशान और गुलाम मुस्तफा के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी। मुलजिमान ने 900 से ज्यादा अफराद से 27 करोड़ रुपए की रकम का फ्रॉड किया। रिपोर्ट में तस्दीक। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। उधर सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा हफ्ता 10 अगस्त को होगा। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का अहम इजलास आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होगा। क्रिकेट कमेटी अपनी सिफारिशात चेयरमैन पीसीबी को पेश करेगी। वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मैनेजमेंट में तब्दीलियों का भी कवी इम्कान। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, हेड कोच मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज अहमद भी शिरकत करेंगे। वतन अजीज के 72वें यौम आज़ादी पर खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों का वालेहाना अंदाज। अमन और वतन से मोहब्बत के नाम से मिली नकमों की एल्बम रिलीज कर दी। पश्तों के मशहूर गुलूकारों जैका फ्रीदी, बख्तियार खटक, किरण खान, सना ताजिक ने उर्दू और पश्तो जबान में मिली नकमे गाए। फनकारों ने अपनी वीडियोज, एल्बम अहले वतन और कबायली अजला के आवाम के लिए जश्न आज़ादी का तोहफा करार दे दी। और अब कुछ बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर मुस्लिम लीग नून ने बैठक लगा ली है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेरे सदारत पार्टी सेनेटर्स का इस्लामाबाद में इजलास जारी है। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर तश्वीश का इजहार किया। कहा, सादिक संजरानी को वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जमीर फरोशों को तह से निकाल के लाएंगे। इजलास में मजीद क्या फैसले हुए, क्या कहा गया, बात करेंगे। राणा तारिक हमारे साथ मौजूद है। राणा तारिक, आगाह कीजिएगा, शहबाज शरीफ कितने नाराज थे, कितने परेशान थे? जी बिल्कुल, इस वक्त ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इजलास में जारी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले तमाम सेनेटर जो है इजलास में मौजूद हैं। इजलास की आगाज पर ही जो है ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि किस तरह से जमीन फरोशी की गई है और हमारे सेनेटर की निशानदेही जो है बेनकाब हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने जमीन फरोशी की है। लेकिन उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर जो नाकामी हुई है उस पर मुझे तशवीश का इजहार है। सादिक संजरानी को वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और जमीन फरोश को तय से निकाल लाएंगे। उनका ये कहना था कि कल के जो इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो जीत गई है और जमहूरियत के वकार को एक बार फिर मजबूत किया गया है। उनका ये भी कहना था कि 14 सेनेटर ने जमीन फरोशी की और तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि तमाम ओपोजिशन मिलकर आइंदा का जो है वो लाए अमल तय करेंगे और आइंदा एक या ईद के बाद जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाने का भी इम्कान है, उसमें भी इस बात को सामने रखा जाएगा। तमाम उन्होंने ये कहा है कि जमीर फरोशी करने वालों को जेल तलाश करेंगे और उनको उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, उनको बेनकाब करेंगे आवाम के सामने, कौम के सामने। तमाम ये भी तजवीज़ सामने आई है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो थारोली इन्वेस्टिगेट करे इस मामले को कि किन अरकान ने जो है। ठीक है, इस वक्त इजलास जारी है। राणा तारिक, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
निजी ISPR ने सेनेटर हासिल बजिंजो के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि बयान कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाजा बनाने के मुतरादिफ है, महज सियासी फवायद के लिए ऐसे बयानात जमहूरियत की खिदमत नहीं। मुआविन खुसूसी बराए वजीर आजम फिरदौसा शिकावान का कहना था कि मीर हासिल बजिंजो के बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले कि शिकस्त के बाद ऑपोजिशन ने इल्जाम तराशी शुरू कर दी। फैसल वावडा ने अपने बयान में कहा कि हिजब इख्तलाफ ने हारने के बाद इदारों के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी।